भाइयों बहनों, आज मनीष सिसोदिया जी फिर प्रेस के सामने आई। एक्साइज जो कानून है, नीति है, उनको लेकर एक नौटंकी की सीबीआई में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे को कांटेक्ट ढंग से करने नहीं दिए, लेने नहीं दिए गए। ऐसी एक नौटंकी की कि हम भी सीबीआई को कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई की जांच के लिए चला गया, उनको लगा कि अब ये भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का उजागर होगा, तो उन्होंने ये आज नौटंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। लेकिन सिसोदिया साहब, उसकी जांच तो अब सीबीआई कर रही है। अभी आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आपने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने की जो प्रचार प्रसार केजरीवाल जी के माध्यम से करवाया है, करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एजुकेशन में 19 जोन के अंदर, जिनमें सभी कमरे बनाने का निर्णय आप लोगों ने लिया था। नए स्कूल बनाने का तो ले नहीं पाए, 500 स्कूल बनाने थे, लेकिन पोटा केबिन के कच्चे कमरे बनाकर जल्दी जल्दी में कैसे लोगों के करोड़ों रुपए सरकार का ढकारा जाए, ये आपने योजना बनाई। अभी मैं दो जोन की आपसे चर्चा करता हूँ, जोन 23 और जोन 25। जोन 23 के अंदर आप लोगों ने टेंडर किया 2015 में। टेंडर करने के लिए उसमें आपने प्रायोरिटी रखी दो, पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी में आपने तय किया कि 27 करोड़ और 71 लाख में 201 कमरे बनाए जाएंगे 6 स्कूलों के अंदर। ये मैं जोन 23 की बात कर रहा हूं। किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में जब कोई काम अलॉट होता है तो डिस्क्रिशन होती है हर अधिकारी की कि कौन अधिकारी कितने पैसे खर्च करके, उनको पावर है। चीफ इंजीनियर को 50 लाख की पावर है, कमेटी उपो पर 1 करोड़ की पावर है। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन सबकी, डिस्क्रिशन सबकी पावर होती है। उसी के अनुसार जब 27 करोड़ का टेंडर हो रहा था, तो 27 करोड़ के टेंडर के लिए किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट को हमें एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी में जाना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है, आप उसके चेयरमैन है, अध्यक्ष है, आप ही की कमेटी है। उस कमेटी में जाने के बाद, जिसके मुखिया आप सिसोदिया साहब हैं, उसमें जाने के बाद जब आपने टेंडर इन्वाइट किए तो शर्तें रखी 1 साल में कार्य पूरा किया जाना है 2015 में। ये आपकी शर्त थी टेंडर के अंदर ठेकेदारों को। दूसरी थी जो कीमत टेंडर ठेकेदार डालेगा वो कीमत नहीं बढ़ाई जाएंगी, आपके टेंडर में ही सिसोदिया साहब एक्सपेंडिचर कमेटी ने तय किया था। तीसरा, डिले अगर ठेकेदार करेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कोई भी टेंडर एजुकेशन का होता है पीडब्ल्यू के माध्यम से, उसमें यह भी शर्त होती है, टेंडर तभी होता है कि काम करने के लिए लैंड ओनिंग एजेंसी में क्या वो लैंड फ्री है कमरे बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यह एफिडेविट होता है, तब यह टेंडर लगाया जाता है। ये टेंडर लगाने के बाद जब समय पर काम नहीं हुआ, उन ठेकेदारों के माध्यम से उनको पेनल्टी लगानी चाहिए थी। आपके रिश्तेदार थे क्या? पेनल्टी तो लगाई नहीं आपने। पेनल्टी लगाने की बजाय 2 साल तक 16 में 17 में 18 में जब वो कमरे तैयार नहीं हुए तो ठेकेदार कहने लगे, जी हमसे तो काम ही कंप्लीट नहीं हुआ सिसोदिया साहब, अब क्या करें, अब 3 साल में तो लोहे का भी रेट बढ़ेगा, सीमेंट का भी रेट बढ़ेगा, हमारे तो रेट बढ़ गए। क्या जानबूझकर कहा था तुम काम टाइम पे मत करो, मेरे पास आना, मैं एक्सपेंडिचर कमेटी का चेयरमैन हूँ, किसी दलाल के माध्यम जो तुम्हारे होंगे सेटिंग बाद। और वो 27 करोड़ के टेंडर जो एनआईटी लगाकर ठेकेदारों ने लिए थे, जो 40% लेस पर गए थे, 27% 40 लेस पर गए थे, 27 करोड़ के उससे कम में बनाने थे, उनपे पेनल्टी लगाने की। भाइयों बहन, भाइयों बहनों, आज मनीष सिसोदिया जी फिर प्रेस के सामने आई। एक्साइज जो कानून है, नीति है, उनको लेकर एक नौटंकी की सीबीआई में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे को कांटेक्ट ढंग से करने नहीं दिए, लेने नहीं दिए गए। ऐसी एक नौटंकी की कि हम भी सीबीआई को कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई की जांच के लिए चला गया, उनको लगा कि अब ये भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का उजागर होगा, तो उन्होंने ये आज नौटंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। लेकिन सिसोदिया साहब, उसकी जांच तो अब सीबीआई कर रही है। अभी आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आपने दिल्ली के स्कूलों को फंड